Welcome to Monk and Pramanu in the physics session, and today in thermodynamics series we will discuss about the Joule-Thomson experiment or porous plug experiment. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जेम्स प्रेस्कॉट जूल, विलियम थॉम्सन, बैरन केल्विन तीनों ने मिलकर किसी रियल गैस या लिक्विड को फोर्सफुली एक वॉल्व जिसकी ओपनिंग बहुत ही स्मॉल थी के अंदर से पास कराया था तथा उस समय एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टेम्परेचर चेंज आया था उसे नोट किया था। साथ ही पूरे प्रोसीजर के अंदर सिस्टम को एडायबैटिक रखा गया था, जिसका मतलब है एनवायरनमेंट के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होने दी थी। इस प्रोसीजर को थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑफ जूल्स एक्सपेरिमेंट या पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो थ्रॉटलिंग वॉल्व है उसकी जगह पर पोरस प्लग का इस्तेमाल किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का एम था कि जब रियल गैस, लिक्विड या आइडियल गैस को किसी वैक्यूम में एक्सपेंड कराया जाता है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज है वो क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट में यह पता लगाया गया कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन को छोड़कर सभी गैसेस एक्सपेंशन के बाद ठंडी होती हैं तथा सभी लिक्विड्स एक्सपेंशन के बाद गर्म होते हैं। गैस कूलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस या फिर हीट पंप्स बनाने में किया जाता है। वहीं हाइड्रोलिक्स में वार्मिंग इफेक्ट का इस्तेमाल गैस वॉल्व के अंदर इंटरनल लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक्स के अंदर जब भी कोई इंटरनल वॉल्व लीक करता है तो वहाँ से लिक्विड फ्लो करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम थर्मोकपल्स के द्वारा उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी यूज़फुल है। यह एक्सपेरिमेंट जूल के अर्लियर एक्सपेरिमेंट जूल फ्री एक्सपेंशन के बेस पर किया गया था, जिसमें आइडियल गैस में फ्री एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। किसी भी गैस या लिक्विड का एडायबैटिक एक्सपेंशन कई डिफरेंट मेथड से कराया जा सकता है। टेम्परेचर में चेंज होना एक्सपेरिमेंट के दौरान केवल इनिशियल और फाइनल प्रोसेस पर ही नहीं, बल्कि एक्सपेंशन प्रोसीजर किस तरह कराया जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। एक्सपेंशंस कैन बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स। नंबर वन, इन ए फ्री एक्सपेंशन, यानी कि फ्री एक्सपेंशन के दौरान गैस डज नॉट वर्क एंड डजंट एब्जॉर्व हीट, सो द इंटरनल एनर्जी कंजर्व्ड, क्योंकि गैस काम नहीं करती सिस्टम पर या फिर सिस्टम गैस पर काम नहीं करता, उस समय हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, इस वजह से इंटरनल जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। एक्सपेंडेड इन दिस मैनर द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस वुड रिमेन कॉन्स्टेंट, और इस सिचुएशन के अंदर जो टेम्परेचर चेंज है वो ज़ीरो होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम रियल गैस के साथ कराते हैं तो उसके अंदर जो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है उसको हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर समझेंगे। इन दिस एक्सपेरिमेंट द मेथड ऑफ एक्सपेंशन वी टेक इन विच ए गैस और ए लिक्विड एट प्रेशर पी फ्लोज इन टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर पी टू विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड द जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रियल गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बिना किसी सिग्निफिकेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंड कराया जाता है। इस एक्सपेंशन के दौरान जो एंथैल्पी है वो चेंज नहीं होती, लेकिन वर्क डन होता है और इस वजह से जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर चेंज आता है, जबकि फ्री एक्सपेंशन के अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। अब इंटरनल एनर्जी का बढ़ना या घटना इस बात पर निर्भर करता है कि जो एक्सपेरिमेंट के अंदर वर्क डन है वो गैस पर हुआ है या फिर गैस के द्वारा किया गया है, और जो कि डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ एक्सपेंशन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड के ऊपर। द टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए जूल थॉम्सन एक्सपेंशन इज क्वान्टिफाइड बाई जूल थॉम्सन कोफिशेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे म्यू जे टी से। अगर म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वहाँ पर होगी कूलिंग, और अगर म्यू जे टी की वैल्यू नेगेटिव है तो वहाँ पर होगी हीटिंग। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी इंटू काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। अब देखते हैं जो फर्स्ट फैक्टर है वो किस तरह काम करता है। टेम्परेचर इज़ द मीज़र ऑफ थर्मल काइनेटिक एनर्जी, कि जो टेम्परेचर है वो मीज़र है थर्मल काइनेटिक एनर्जी का, और वो एनर्जी जो कि एसोसिएटेड है मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर मोशन के साथ। तो इस तरह जब जब टेम्परेचर में चेंज होता है उस कंडीशन में थर्मल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो सम है थर्मल काइनेटिक एनर्जी का और थर्मल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जब चेंज नहीं हो रही हो तो उस कंडीशन में अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए
तो उस कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, और इसी तरह इस एक्सपेंशन के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू घट जाती है, जिस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो भी घट जाती है। यहाँ जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में एक्सपेंशन के दौरान गैस पर या फिर गैस द्वारा वर्क किया जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज आने की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, चाहे गैस ठंडी होती है या फिर गैस गर्म होती है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के अंदर इंथैल्पी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। अगर हम इंथैल्पी की इक्वेशन लिखें तो वो होगी h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। यहाँ पर h इंथैल्पी है, u इंटरनल एनर्जी है, v वॉल्यूम है, और पी वी इकट्ठा वर्क डन है, क्योंकि p यहाँ पर प्रेशर है। अगर हम बात करें कि h कॉन्स्टेंट है तो वहाँ पर दो कंडीशन होंगी हमारे पास। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्क डन बाई फ्लूड, अगर वर्क डन नेगेटिव है इसका मतलब है वर्क डन ऑन फ्लूड। अगर यहाँ पर पी वी इंक्रीज होता है क्योंकि वर्क डन बाई फ्लूड है, तो उस कंडीशन के अंदर यू प्लस पी वी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। लेकिन एच अगर कॉन्स्टेंट है तो वहाँ पर यू को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो इस कंडीशन के अंदर यू मस्ट डिक्रीज। दस वर्क इज़ डन बाई फ्लूड ऑन सराउंडिंग्स, हैंस यू डिक्रीज है, जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, और इस वजह से जो म्यू जेटी है यानी कि जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव होगा, और वहाँ पर कूलिंग होगी क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, इंथैल्पी कॉन्स्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। सेकेंड केस के अंदर अगर पी वी डिक्रीज होता है यानी कि वर्क डन ऑन फ्लूड होता है, उस कंडीशन के अंदर पी वी है वो डिक्रीज होगा, इसलिए एच अगर कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन में यू को इंक्रीज होना होगा। दस वर्क इज डन ऑन फ्लूड एंड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि इंथैल्पी कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज होना होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा, वो हमेशा ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी से। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और वहाँ पर म्यू जेटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, और उस कंडीशन में जो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। अब हम समझते हैं इस प्रोसेस के अंदर जो फिजिकल मैकेनिज्म है वो क्या है। जब भी कोई गैस एक्सपेंड होती है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी एप्लीकेबल हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई भी चार्ज रखा है और उस चार्ज रखने के साथ साथ हम दूसरा चार्ज वहाँ पर लेकर आते हैं तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा इंक्रीज होती है। तो यही काम इस कंडीशन में हो रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनकी वजह से अगर हम जो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है उसे सिग्निफिकेंट माना गया है। इफ़ वर्क इज़ नॉट एक्सट्रैक्टेड या फिर कंडीशन एडायबैटिक हैं या फिर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है सिस्टम की बाहर या अंदर, उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है गैस की अगर वो हम कॉन्स्टेंट मानते हैं या फिर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से अगर वो कॉन्स्टेंट रखें, तो उस कंडीशन के अंदर जब जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो तब तब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अब काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वहाँ पर कूलिंग होगी। अब इसका अपोजिट इफेक्ट देखते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जब जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी इफेक्ट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि जो इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम है वो डिक्रीज हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाए तो अगर कॉन्स्टेंट एनर्जी है या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी,
जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होगा।